राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। तो आइए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में से स्कंद 6 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 7 अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम अहम साम यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरे हे। अनुवाद अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। निस्संदेह उसने न केवल एक जीवन के लिए किए गए कर्म के पाप का प्रायश्चित किया है अर्पितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय वस्त्र में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह शुद्ध है और मोक्ष का पात्र है। तो यह अयम ही कृत निर्वेशो निर्वेशो प्रायश्चित कृत किया है। कितने जन्मों का? जन्म कोटि 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 जन्मों का उनने प्रायश्चित किया। हालांकि उनने शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं किया, नामाभास में उनने उच्चारण किया, अर्थात अपने बेटे को बुलाते हुए नारायण। तो अजामिल शुद्ध पापी था, वो अपराधी नहीं था। नाम के अपराध होते हैं,
नामा अपराध, अर्थात नाम के हम अपराध करते हैं। जैसे मैं आपका अपराध करूं, किसी और का अपराध करूं, जैसे आपको कोई गाली मैंने दी तो मैंने आपका अपराध किया, उसी तरह नाम के 10 अपराध हैं। तो नाम 10 अपराध आम जनता जो कर्मी ज्ञानी वगैरह आम जनता जो है वो नाम के 10 अपराध नहीं करती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो क्या पता लगाना और खराब काम है क्या? नहीं, पता लगाना चाहिए 10 नाम अपराध क्या है। 10 संक्षिप्त में नाम अपराध हैं 10। पहला अपराध है कि वेदों का, शास्त्रों का, सबसे पहला अपराध है कि जिन भक्तों ने नाम के प्रचार में अपना जीवन व्यतीत किया हो उन भक्तों का अपराध करना, निंदा करना, चुगली करना, द्वेष करना, तो ये नाम अपराध है। हम अपराध करते हैं भक्त का और कहा जाता है नाम अपराध। ऐसा क्यों? क्योंकि इन भक्तों ने अपना सारा जीवन नाम प्रचार में समर्पित किया है, इसीलिए नाम प्रभु को ये भक्त अतिशय प्यारा, प्रिय है। जैसे मैं आपका कुछ सारी उम्र काम करता रहूं, अनमोल बिनमोल, कोई तनख्वाह के बिना, निःशुल्क, तो स्वाभाविक है कि मैं आपको प्रिय रहूँगा। तो इसी तरह भगवत नाम का प्रचार करने वाले भक्तों का अगर अपराध किया तो वो नाम का अपराध है। वो बुक ले आओ तो नीचे से और अपराध निकाल के लाओ, लाइए। कहाँ है? हाँ जी, सब आते हैं, बहुत अच्छा। तो दूसरा अपराध है शिव, ब्रह्मा आदि देवों को, भगवान देवों के नाम को या देवों को भगवत नाम के बराबर समझना। ठीक है, मेरे पास है। तो भगवान श्री कृष्ण ये देवी देवताओं के भी परमेश्वर, ईश्वर, देव हैं। देव देव जगत पते, देवों का देवाधिदेव, देव आदि देव, अहम ही आदि देवा नाम कृष्ण, ये भगवद गीता के सब श्लोक हैं, शब्द हैं। मैं देवों का आदि हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनको बोलते हैं देव। विष्णु भक्त भवे देव, आसुर्यस्य विपर्यय। तो
भक्त भगवान के बराबर नहीं होता। भक्त भक्त है, दास सेवक समर्पित, और भगवान भगवान है। तो एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, आर इच्छाए नाचिया भाई तारे करे नृत्य। परमेश्वर ईश्वर द गॉड एक है, वो है कृष्ण। विष्णु राम नारायण वराह कच्चा मच्छा अवतार, ये सब अवतार हैं भगवान के, अवतार भगवान का विस्तार। इसलिए हम भगवान कह सकते हैं, भगवान ये कॉमन नाम है, सामान्य नाम। जैसे हम पटेल सा या मल्होत्रा, तो मल्होत्रा कई हैं, एक मल्होत्रा नहीं है। इसी तरह भगवान कॉमन नाम है और सबके लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब कृष्ण भगवान बोलते हैं तो वो कृष्ण ही को हम संबोधन करते हैं, और वो ही कृष्ण भगवान है। तो शिव ब्रह्मा आदि देवों को श्री कृष्ण के बराबर समझना, या तो उनसे स्वतंत्र समझना। शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान श्री कृष्ण के बराबर या उनसे स्वतंत्र समझना, उनका नाम भी। तो ये नाम का अपराध है, क्योंकि भगवान का नाम बड़ा है और आप उनको दूसरों कोई निम्न कक्षा की चीज़ों से आप उनकी बराबरी करते हो तो अपराध है। प्राइम मिनिस्टर का नाम आप मेरे आपकी तरह बराबर ठीक ही है, ये प्राइम मिनिस्टर और मैं एक ही हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर का अपराध है। उनका नाम मेरे नाम के बराबर समझना, राजा का नाम मेरे बराबर, रैयत उनकी प्रजा के बराबर, तो राजा का अपमान है। इसी तरह श्री कृष्ण नाम ये सर्वोच्च नाम है, और नामों में भी, श्री कृष्ण के नामों में भी अंतर है। जितनी जिन नाम में शक्ति उतना वो नाम बड़ा, बहुत सिंपल, बहुत सरल बात है। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि आप कौन से कृष्ण के नाम जानते हो, तो बोलते हैं मैं ज़्यादा नाम नहीं जानता, मैं दो तीन नाम जानता हूँ, वो है गोविंद श्याम सुंदर और जसोदा नंदन। तो कृष्णा ये सबसे बड़ा नाम है, क्यों? कि वो कृष्ण को अतिशय प्रिय है, कृष्ण को अतिशय प्रिय नाम है। भगवान बोलोगे कई भगवान, ईश्वर बोलोगे कई ईश्वर, ईश्वर हो हम भी ईश्वर समझते हम खुद को, और कई ईश्वर अलग अलग लोग के अलग अलग ईश्वर, तो उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं है। भगवान नाम में ज़्यादा शक्ति नहीं है, ऊपर वाला नाम में शक्ति ज़्यादा नहीं है। ऊपर वाला संकेत करते हैं कृष्ण को, लेकिन ऊपर वाला ब्रह्म परमात्मा इन नामों में इतनी शक्ति नहीं है जितनी कृष्ण नाम में है, श्याम सुंदर में है, जसोदा नंदन में है, गोविंद। तो भगवान के नाम अनगिनित हैं,
सहस्त्र नाम और उनसे भी जितने नाम आपको भौतिक संसार में आध्यात्मिक जगत में जितने नाम आपको मिलते हैं वो सब भगवान के ही नाम है, कृष्ण के ही नाम है। लेकिन सब नाम एक तुल्य नहीं है। कृष्ण नाम ये उनका सबसे प्यारा नाम है, कृष्ण। तो इसी तरह यहाँ शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं का नाम कृष्ण नाम के तुल्य समझना या तो उनसे स्वतंत्र समझना। तो ये अपराध है, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो गुरु को सामान्य मनुष्य समझना और गुरु की अवज्ञा करना, ये नाम अपराध क्यों? क्योंकि गुरु नाम का प्रचार करने में अपना सारा जीवन 24 घंटा और हर दिन वो नाम के प्रचार में ही अपना सारा जीवन समर्पित करता है। तो इसीलिए गुरु नाम प्रभु को अतिशय प्रिय हैं, स्वाभाविक। तो ऐसे गुरुदेव की अवज्ञा या उनको सामान्य मृत्य सामान्य मनुष्य समझना। आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्य करहचित नमर्त्य बुद्धि असुयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु आचार्य माम विज्ञानियम, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आचार्य मेरा ही स्वरूप समझो, मैं ही हूँ आचार्य और मेरा ये स्वरूप है। आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्यत करहचित, उनको और कुछ मत समझो। नमर्त्य बुद्धि और उसमें मृत्य बुद्धि मत लाओ कि गुरु मरने वाला है, मेरी तरह है, मैं मरूंगा, गुरु मरेगा। मृत्य बुद्धि असूयत, गुरु की कभी भी असूया नहीं करनी चाहिए, कभी भी निंदा चुगली द्वेष स्पेशली द्वेष नहीं करना चाहिए गुरु का। अमर्त बुद्धि असूयत सर्वदेव मयो गुरु, गुरु ये सब देवों को मिला के गुरु हैं, गुरु सब देवों के सम टोटल। जैसे गाय में सब देव हैं उसी तरह गुरु में भी सब देवों का वास है। स्पेशली कृष्ण, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। हे गुरुदेव, आपके हृदय में गोविंद का सदैव विश्राम है। तो इसीलिए गुरु अवज्ञा या गुरु को सामान्य मनुष्य समझना ये नाम अपराध है। और चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों का, वैदिक शास्त्रों की निंदा करना। टू बी सोबे, निंदा करना, वैदिक शास्त्रों की निंदा करना। तो ये सब का कारण एक ही है। क्यों ऐसा कि शास्त्रों की निंदा करना ये नाम अपराध क्यों है? आप कर रहे हो अपराध शास्त्र का और निंदा हो रही है नाम की, ऐसा क्यों? क्योंकि हर शास्त्र नाम प्रभु का गुणगान महात्म्य ज्ञान देते हैं। सब शास्त्र नाम
का गुणगान करते हैं। इसलिए शास्त्रों की निंदा ये नाम की निंदा है। और हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना कि हरे कृष्ण की महिमा बोल दिया कि भगवत प्रेम जागृत होगा या तो नर्क की यातना छूट जाएगी सब कुछ, ऐसा नाम के हरे कृष्ण नाम का महिमा उनको मिनिमाइज करना, ये नाम अपराध है। पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, अर्थवाद भगवान का नाम जोड़ दिया या तो कुछ ऐसे लय में गाने में उनको जोड़ दिया, तो ये नहीं है। भगवान का नाम उनका महात्म्य, जैसे यहाँ अजामिल अनजाने में नाम लेता है, अनजाने में नाम अपने पुत्र का नाम लेता है, तो करोड़ों जन्म कोटि जन्म के पाप उनके जल के भस्म हो जाते हैं और नर्क की यातना उनकी छूट जाती है। तो अर्थवाद का आरोप करना और नाम के बल पर पाप करना, नाम भगवान के एक नाम लेने से कोटि जन्मों का जन्म कोटि जन्मों का पाप एक नाम लेने से जल के भस्म हो जाते पाप। तो मैं ये पाप कर लूँ और बाद में हरे कृष्ण मंत्र जप लूँ तो मेरे पाप दूर हो जाएंगे, तो ये नाम अपराध है। ऐसे पाप दूर नहीं होते। नाम के बल पर पाप करना ये नाम का अपराध है। और हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक सूप सकाम समझना। वेदों में कई कई सूप काम बताए हैं कि ये मंत्र करोगे तो ये फल मिलेगा, पुत्र एष्टि यज्ञ करोगे तो पुत्र प्राप्त होगा, वगैरह वगैरह कई सूप सकाम वेदों में वर्णित जो शुभ सकाम काम कर्म है कर्म कांड में, तो उसके बराबर समझना। मैं हरे कृष्ण महामंत्र करूँगा तो मेरा ये शुभ कार्य हो जाएगा। शुभ कार्य शुभ भगवान का नाम शुभ है ही और वो शुभ करता है, शुभदा भगवान का नाम शुभ ही हमारा सारा शुभ करता है। लेकिन ये समझना कि मैं नाम जप कर लूँ और ये मेरा कार्य फलीभूत होगा, तो ये नाम अपराध है। अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम के महात्म्य का, नाम की महिमा का उपदेश करना, क्योंकि वो अश्रद्धालु हैं, वो नाम का अपराध करेगा, आपका अपराध करेगा और कुछ ऐसी वाणी बोलेगा। इससे अच्छा है कि नाम का उपदेश न करना। उनको सुना सकते हैं, जैसे हम हरि नाम अभी संडे हमने किया, रविवार को हरि नाम, तो कई सारे कीर्ति नगर ने सुना, तो हम सुना सकते हैं और उनका कल्याण कर सकते हैं, सुन के उनका कल्याण हो सकता है। लेकिन अगर अश्रद्धालु हैं और उनको हम प्रीचिंग करें, प्रचार करें, महात्म्य बताएं, नाम का महात्म्य, तो ये अपराध है। और भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इतनी आघात महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना,
नाम का इतना बड़ा महात्म्य सुन के हमें विरक्त होना चाहिए, हमें विरक्ति होनी चाहिए कि नाम बिना किच्छु नाहीं चौदह भुवन माजे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम के बिना चौदह भुवन में और कुछ भी चीज हमारे लिए नहीं है, कोई भी चीज, सब कुछ बेकार है। सारा भौतिक जगत गंदा है, भौतिक जगत मीन्स गंदगी। भौतिक जगत में जो भी चीज है वो गंदी है, क्योंकि वो भौतिक है। और भगवान से जुड़ी हुई जो चीज है, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक चीज, आध्यात्मिक वस्तु, हरि संबंधी वस्तु ना, तो वो दिव्य है, पवित्र भी नहीं, दिव्य है, आध्यात्मिक है, अलौकिक, दिव्य। तो वो परम पवित्र चीज है, जो भगवान के संबंध में जो भी चीज है वो दिव्य है, परम पवित्र है। बाकी भगवान से जो अलग है, ये भौतिक जगत सारा भगवान से अलग है, क्योंकि उनका कनेक्शन टूट गया भगवान से। जैसे पावर हाउस से जब कोई तार बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे वो कनेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिफाइड, उनको इलेक्ट्रिसिटी हम बोलेंगे, तार नहीं बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो पावर हाउस से जुड़ गए। उसी तरह ये सारा भौतिक जगत भगवान से अलग हो गया। विरजा कॉजल ओशन, कारण समुद्र से इस पार, कारण समुद्र अलग करता है। तो ये सारा भौतिक जगत ये गंदगी ही गंदगी है। पवित्र तब बन सकता है जब भगवान से उनका संबंध, श्री कृष्ण से उनका संबंध हो जाए। हरे कृष्णा कृष्णा संबंध है। हमारे मुंह से गाली भी निकल सकती है और हरे कृष्ण महामंत्र भी निकल सकता है। तो हमारे मुंह का ये संबंध हरे कृष्ण मंत्र से, तो ये दिव्य है। और वही मुंह गाली निकलती है, भौतिक है, गंदा है। तो यहां आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे है, तावत कर्तुम न सकनोति पातकम पातकी न रह। पातकम पापी, पातकम पापी, पापी नर, पातक पाप, और पातकी नर पापी मनुष्य। भगवान का एक बार हरि, हरे हरे कृष्णा ऐसा नाम हमने बोल दिया तो इतने हमारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं कि कोई पापी, घोर पापी, वो पाप नहीं कर सकता। इतने पाप हमारे जल के भस्म हो जाते। पातक पातकी नरह, पाप निर्हरणे हरे है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ये हरे कृष्णा नाम जब हम एक बार करते हैं जप,
तो कोई ऐसा दुनिया पर पापी नहीं है जो पाप कर सके, इतना पाप ये नाम जल के भस्म न कर सके, इतना पाप में बल है। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अवशे अवशे नापी यन नामनी कीर्ति ते सर्वपात कई पुमान विमुच्यते सद्य सिंहस्तत्र मृगैर इव। जैसे सिंह गर्जना करता है तो हिरण तुरंत भागा भाग करने लगते हैं, भाग जाते हैं, इसी तरह भगवान का नाम का कीर्तन करने से सारे पाप तुरंत भाग जाते हैं तुरंत। और आगे कहते हैं सेम परपोर्ट कि सुकृत चरितम एन हरिर इत्या द्वय अक्षरम अक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। हरि के दो अक्षरों ह और री अलग अलग, अगर अलग अलग भी लो ह री, एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है, सुनिश्चित। ह एंड री जैसे आगे वाले श्लोक में आएगा ना रा या ण अलग अलग, तो ये नाम का महिमा है। आइए आगे चलते हैं। एते नैव हि अघोनेस्य कृतम स्याद ध्वनिकृतम यदा नारायणेति जगात चतुराक्षरम। चतुराक्षरम चार अक्षर वाला नाम ना रा य ण, चतुराक्षर वाला नाम उनने लिया अजामिल ने, तो ये चार अक्षर के नाम से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। तो अलग अलग नाम लेने पर भी, अलग अलग अक्षर से नाम जोड़ने पर भी पाप का क्षय हो जाता है, इतना नाम में बल है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का नाम ब्रह्मांड पुराण में हरे कृष्ण मंत्र के नामों का सुंदर एक श्लोक है, पद्म पुराण में सॉरी द्वंत्रिम सद अक्षरम मंत्रम द्व टू त्रिम त्रिस तीस प्लस टू 32 32 अक्षर का मंत्र नाम षोडशकान्वितम। और नाम कितने हैं इसमें? 16 नाम। और प्रजपन वैष्णवो, वैष्णव उनका प्रजप प्रजपन जप करते हैं नित्यम हमेश राधा कृष्ण स्थलम लभेत। राधा कृष्ण का स्थल वृंदावन धाम उनको मिलेगा। तो यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का डायरेक्ट उद्धृत पद्म पुराण में हमने मिलता है कोटेशन। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा का जप हर रोज कम से कम 16 माला करनी चाहिए, 16 माला। और बहुत आसान है, अगर आपके पास ज़्यादा समय आपके कार्य में नहीं है तो सुबह 4 दोपहर जब भी खाओ, प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी खाओ तो 4 माला करके खाओ। सुबह का नाश्ता कर लिया तो उससे पहले 4 माला, दोपहर का लंच उससे पहले 4 माला,
शाम का उससे पहले चार माला, और लोग रात को दूध पीते हैं, तो दूध पीते हैं तो उससे पहले चार माला करो, हो गई सोल माला। सोल माला जो सोलह माला करेगा वो निश्चित रूप से नरक में उनका वास नहीं होगा, उल्टा भगवत धाम और भगवत प्रेम दोनों उनको यूँ मिल जाएगा, यूँ ही मिल जाएगा। ज़्यादातर प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सोलह माला है डे। वैसे नियम है 64 माला, तो जिनके घर बहू आई हो, बेटा पोता, तो 64 माला करनी ही चाहिए। मैंने कल कहा था इससे क्या होगा कि आपका अपवर्ग बन जाएगा और ये भौतिक जंजाल से आप विरक्त रहोगे। माला करने में आपका समय 7 घंटा सुबह शाम दोपहर, 64 माला करने में 7 घंटा करीबन लगता है, तो इससे आपकी विरक्ति और आपका सवय मन कृष्ण पदारविंद यो। हमारे जीवन का ध्येय यह है कि हर पल हमारा मन श्री कृष्ण में रमे। यथा यथा यूनो युवती नाम, यथा युवती यूनो यूनोम च युवतीम यथा तद्वात मनोरव अभिरमते। जैसे युवती का मन युवक में रमण करता है और युवक का मन युवती में रमण करता है, उसी तरह हमारा मन हे कृष्ण आप में रमण करो, तो ये हमेशा हमारा जीवन कृष्णमय। ता मन मनस्का मन मना भव मद भक्तो, मन मना श्री कृष्ण में मन हमारा रहे, ये मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य जीवन में ना अर्थो अर्थाय कल्पते, बच्चा बीवी पति पत्नी और उपार्जन धंधा नौकरी ये सब मनुष्य जीवन का, ये इन लोगों के लिए हैं जो सीरियस नहीं है। जो सीरियस लोग नहीं है उनके लिए ये वर्णाश्रम धर्म है कि आहिस्ते आहिस्ते वो कृष्ण के चरण तक पहुँचे। कौमारम आचरित प्राग्नो, कुमार अवस्था से श्री कृष्ण मन कृष्ण निवेशय, श्री कृष्ण में हमारा जीवन व्यतीत हो, कृष्णमय जीवन व्यतीत हो, ये मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य जीवन मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि हम ये जितनी गंगा में बालू हैं उससे भी ज़्यादा हम कुत्ते गधे बिल्ली मनुष्य बन चुके हैं और बनते जाएंगे, उनकी श्रृंखला मिटेगी नहीं, हार माला मिटेगी नहीं। ये जन्मों की शरीर बदलने की प्रक्रिया मिटने वाली नहीं है, तो इसीलिए मनुष्य जन्म में हमें एक चांस दिया जाता है। हमें मनुष्य जीवन ये जन्म मरण जंजाल में से निकलने के लिए ये मनुष्य जीवन है, लेकिन हम वैसे ही गवा देते हैं। आहार निंद्रा भय और मैथुन, ये चार चीज़ें हर प्राणी करता है, आहार निंद्रा भय मैथुन। मनुष्य जीवन का एकमात्र जन्म से लेके मृत्यु तक एकमात्र कार्य श्री कृष्णमय जीवन, श्री
श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की के भक्तों की भक्ति, यही मनुष्य जीवन। सतयुग में ये सब हजार साल तक, 1,00,000 साल तक सतयुग में मनुष्य करते थे। कंदमूल कोई शहर नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई कोठी नहीं थी, जो छोटी छोटी झोपड़ी, झोपड़ियों में कुटिया और कंदमूल, फल, जंगल, और सारा दिन कोई खेती नहीं करना, धंधा नहीं करना, सब कुछ पैदा होता रहता, फल फूल सब कुछ आपो आप पैदा होता है। और क्या काम था? कृतयत ध्यायते विष्णु, श्री कृष्ण का भजन पूजन श्रवण मनन, और कोई कार्य नहीं। ऋषि मुनि, तो एक हमारा मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य है, जन्म से लेके मृत्यु तक हमें कृष्णमय जीवन जीना है। चींटी चिड़िया को मिल जाता है, मनुष्यों को क्यों नहीं मिलेगा? इतना बुद्धिमान है तो मनुष्य को क्यों नहीं मिल? लेकिन हम इतनी चिंता करते हैं। नीचे लोग अभी बच्चा पैदा किया, बच्ची बड़ी हो गई, बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, और हर रोज शादी करो शादी करो शादी, चिंता। बच्चे पैदा किए, बाद में पढ़ाया लिखाया, उनकी चिंता, बाद में उनकी शादी की चिंता, उनके लिए पैसा कमाने की चिंता, और उसमें ही सारा जीवन व्यतीत। तो ये तो कुत्ते बिल्ली भी करती है, क्या फायदा हुआ? जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य जीवन का एक मात्र उद्देश्य, और वो है श्री कृष्णमय, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण का प्रेम जागृत करना। कैसे? 16 माला, हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 9 और 10, स्तेन सुरापो मित्र ध्रुक ब्रह्मा गुरुतल्पगः, यानी ये श्लोक में भी यही कहा गया है कि आपने सारे बड़े बड़े पाप किए हो, फिर भी अगर आपने भगवत नाम से प्रायश्चित किया तो ये सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। जैसे स्तेन, कोई चोर है, चोरी करता है, सुरापो शराब पीता है, मित्र ध्रुक और ये अपने मित्र का संबंधी का विरोधी है, ब्रह्मा ब्राह्मण का द्रोही है, गुरु तल्प का गुरु का अपराधी है, स्त्री का अपराधी है, राजा का अपराधी है, पितृ का अपराधी है, गाय का हत्यारा हो, सब पाप नाम व्यवहारणम, नाम का कीर्तन, विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करने से ये सब पाप जल के भस्म हो जाते हैं, जल के बिल्कुल स्क्वायर, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू पैवेलियन ही बोलते हैं यहाँ, कि जैसे आप ये सब पाप किया, लेकिन अगर आपने भगवान का नाम निरअपराधी शुद्ध नाम लिया तो ये सब पाप आपके दूर हो जाते हैं।
तो 11वें श्लोक में कहते हैं यथा हरेर नाम पदैर उदाहृतई। तो भगवान का नाम ये व्रत आप करो या ध्यान व्रत करो या तो वेदों में वर्णित कर्मकांड करो या कोई भी धार्मिक क्रिया आप करो, उससे आपका पाप नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन हरेर नाम पदैर, भगवान श्री हरि के नाम के अक्षरों से उच्चारण उच्च उदाहृतैर उच्चारित करने से हमारे सब पाप दूर हो जाते हैं। सब पाप बारंबार ये श्लोकों में कहा गया है कि आपको कोई व्रत, सब लोग हजार किस्म के व्रत करते हैं, ये शनि देव का व्रत, ये मंगल का मंगली का व्रत, और ये अभी तो शनि देव के मंदिर कृष्ण के मंदिर नहीं होते, और बाबा और बापू का व्रत, बाबा बापू से कुछ नहीं होगा, ये सब व्रत सब फिजूल का है। ये उससे बार बार कहा गया कि शायद आपके पाप नष्ट हो ये व्रतों से, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है, पाप करने का जो बीज है, वो आपका नष्ट नहीं होगा। वो तो क्वचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल या केवल भक्ति से ही ये पाप करने का बीज नष्ट होगा, व्रत और तप से नहीं होगा। व्रत और तप ये क्षणिक चीज है, उससे आपका पाप करने का बीज नष्ट नहीं होगा। वो तो यहाँ कहा गया है कि भगवान के नाम से ही होगा, हृदय की धूल भगवान नाम से ही स्वच्छ होगी। 12वां श्लोक नैकांतिकम तद तत ही कृते अपि निष्कृते मना पुनः धावती चेत असत्पथे कर्म निर्हारम अभिशाताम हरे गुण अनुवाद खलु सत्व भावना। तो धार्मिक शास्त्रों में संस्कृत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त हैं। कर्मकांड, ज्ञानकांड, ये सब तप व्रत ये सब से काम नहीं होगा, ये प्रायश्चित नहीं होगा इससे, क्योंकि कुंजरवत ये शौच, कुंजरवत शौच, हाथी की तरह स्नान करना, हाथी स्नान करता है और बाद में अपने ऊपर धूल डालता है, तो ये सब प्रायश्चित ये अपर्याप्त रहेगा, क्योंकि पाप करने का जो बीज, पाप करने की जो इच्छाएं वृत्ति, वो खत्म नहीं होगी। वो तो क्वचित केवल या भक्त्या, खाली नारायण श्री कृष्ण की भक्ति से ही ये पाप करने की वृत्ति नष्ट होगी, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों में दौड़ता है, पुनः भौतिक कर्मों में दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गान, प्रायश्चित की
सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत की गई है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है, उनका हृदय परिवर्तन होगा, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से उनके हृदय का परिवर्तन होगा, उनका हृदय शुद्ध होगा। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो हरि नाम हमारे हृदय का मैल स्वच्छ करता है। चेत दर्पण मार्जन, चित्रूपी दर्पण का मार्जन करता है हरि नाम। इसलिए हरि नाम से ही हमारा पाप करने की वृत्ति जल के भस्म हो जाएगी। बाद में कुंजर व्रत, शौच, हाथी की तरह जो स्नान, वो नहीं, हम में इसके लिए हमारा हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। हरे कृष्णा सुण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत् सताम। भगवत नाम करने से आप साधु बन जाओगे। सुण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय में से अभद्र भाग जाएगा, हृदय में हृदय का मैल दूर हो जाएगा। चेत दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण का मार्जन। सुण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत् सताम। तो 13वें श्लोक में अथैनम मापनयत कृताशेष अधिकृतम यदसौ भगवन नाम म्रियमाण समगृहम। तो भगवत नाम, ये मरते समय भगवत नाम लेने पर विष्णुदूत तुरंत सीन पर आ जाते हैं तुरंत, और यमदूत वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए हमें अंत्य नारायण स्मृति, सारी जिंदगी में हमने क्या किया वो अंत्य परीक्षा, एग्जाम, एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन, अंत्य नारायण स्मृति। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्तंते कलेवरम सदा तद भाव भावित एसाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्माणु। तो अंत्य नारायण स्मृति, और अगर अंत्य नारायण स्मृति न भी हो लेकिन सारी उम्र जिन्होंने हरि नाम किया है, हरि भक्ति की है, तो भगवान के दूत जानते हैं ये सब, भगवान खुद जानते हैं। तो ये आगे श्लोक में आएगा, ये आगे वाले श्लोक में 14 श्लोक। सांकत्यम सांकेत्यम परिहास्यम वा संकेत में, सांकेत्यम संकेत में, ये नामाभास, ये चार नामाभास हैं, शुद्ध नाम, नाम,
अर्थात अपराध के साथ नाम, तो उनको शुरुआत की स्थिति कहते हैं नाम, मतलब मिक्स नाम अपराध और शुद्ध नाम, ये दोनों का मिक्सचर शुरुआत में हम नाम करते हैं तो, और बाद में नामाभास में नाम करते हैं दूसरा स्टेज, और तीसरा स्टेज नाम जप करने का है शुद्ध नाम। तो ये चार नामाभास हैं, अर्थात उसमें नाम अपराध नहीं है। तो नाम अपराध स्टेज के बाद ये नामाभास, मैंने जैसे कल कहा था कि सूर्य उगता है तो उगने से पहले उनकी लालिमा पहले आती है, लगता है कि सूर्य उगा लेकिन उगा नहीं है, तो उसको बोलते हैं सांकेत्यम, सांकेत्यम नामाभास, संकेत में, जैसे इनने अपने पुत्र का नाम संकेत किया, नारायण का नाम उनके पुत्र का समझ के नारायण का नाम लिया, तो उनको बोलते सांकेत्य संकेत, कुछ और चीज को नाम से बुलाते हैं, भगवान के नाम से बुलाते हैं, जैसे हरि, या तो कल उदाहरण दिया था हमने हराम, ये सुवर हराम है, मुस्लिम लोग बोलते हैं हराम, तो राम ये संकेत सुवर को है, ये सुवर हराम है, लेकिन उसमें राम का नाम का संकेत है, इसीलिए वो राम का नाम आपका हृदय का मैल दूर करेगा ही, चेत दर्पण मार्जनम सांकेत्यम परिहास्यम, परिहास्य परिहास मजाक करना, मजाक में भी अगर भगवान का नाम लिया है, सबका ध्यान इधर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्लोक लगाओ अब श्लोक, तो सब कथा सुनो, और आप लोग सब भी तीनों स्पेशली ये महाराज आप ध्यान दो, आपके लिए तो कथा कर रहा हूँ, दो तीन लोगों के लिए, और आपका ध्यान कहीं और है, सांकेत्यम परिहास्यम, परिहास मत करो, परिहास्यम मजाक में भगवान का नाम लिया जाए, तो ये नामाभास है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम, स्तोभम संगीत में भी, जैसे हम संगीत में नाम लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्तोभम, तो ये नामाभास है, वो हमारा कल्याण करेगा ही, चाहे संगीत में नाम लें, स्तोभम हेलनम एववा, हेलन हेलनम अनादर, गाली में अनादर करते हुए, जैसे हम पाश्चात्य देशों में हरि नाम करने जाते हैं तो बोलते हैं हरे कृष्णा हिट द रोड, ऐसा बोलते हैं कि हरे कृष्णा गेट वर्क, गो टू वर्क, काम करो, ये क्या हरे कृष्णा ऐसा अनादर करके, हेलन अनादर करके बोलते हैं, फिर भी उनका कल्याण होगा, जैसे भी वो वैसे द्वेष कर रहा है
भक्तों का कि हरे कृष्णा काम करो, ऐसे ना ऐसे कीर्तन ये करने से क्या फ़ायदा, कुछ पैसा का उपार्जन करो, तो ये अनादर करके बोलते हैं। तो ये सब नामाभास हैं, नाम का आभास। सही ढंग से शुद्ध नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं लोग। भगवान को वो नहीं पुकार रहे हैं, भगवान का एड्रेस नहीं कर रहे, भगवान को एड्रेस नहीं कर रहे। फिर भी वैकुंठ नाम ग्रहणम एषा हरम विदुः, अघ हरम, अघ पाप, हरम पाप हर लेता है। जैसे भी नाम लिया, अपने नाम नामाभास भी क्यों ना हो, भगवान को संबोधित करते हुए आपने नहीं नाम लिया, मजाक में लिया, परिहास करते हुए लिया, संगीत में लिया, हरे कृष्णा हरे राम, दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी देवानंद का नाम भी बोलते वहाँ, और बहुत गुस्से में, आपने सुना था ना, आपने सुना था, दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम। तो नामाभास हैं, चाहे वो मजाक में, गंदी गाली में नाम ले, या गायन में, सिनेमा का गायन में नाम ले, नामाभास हैं। लेकिन ये आपको नामाभास आपका कल्याण करके ही रहेगा, यमदूत आपके आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो शुद्ध नाम सही ढंग से सोलह माला करने वाले की तो बात ही क्या, हरे कृष्णा हरे नामाभास में भी हमें उच्च कोटि का फल, हमारा कल्याण हो जाता, चाहे वो गाली में हो, चाहे वो कैसे भी हो, गायन में हो, परिहास में हो। तो ये नाम का महात्म्य है। आइए, बहुत समय है नहीं, आगे आठवां श्लोक लेते हैं, जिनमें बहुत सुंदर बात बताई गई है कि अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तनम् अघम् पुंसो देहे देधो यथा अनल। ये बहुत सुंदर श्लोक हैं प्रचारकों के लिए। ये हर बार ये सवाल हमें सब करते हैं, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात्, अज्ञान से या ज्ञान से उत्तम श्लोक नाम यत्। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का नाम अगर किया जाता है, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तन मदम पुंसो देहे देहो यसा नल। तो अज्ञानता से भी नाम लिया जाए या ज्ञान से उत्तम श्लोक नाम। तो लोग कहते हैं कि, सवाल करते हैं कि मेरा नाम में मन नहीं होता, मेरा मन भटकता है, तो ऐसा नाम करने से क्या फ़ायदा, या तो हम हरे कृष्णा करते हैं और कहीं भक्त साथ में
माला वहाँ रुक जाती है और फ़ोन अटेंड कर लेते हैं या तो कुछ वार्तालाप कर लेते हैं और बाद में वहाँ से माला शुरू करते हैं, तो लोग कहते हैं कि इससे क्या फ़ायदा। तो ये श्लोक उनका जवाब है, उत्तर है। मन नहीं है और माला करते हैं तो क्या फ़ायदा। तो ये श्लोक, मन नहीं है फिर भी नाम करोगे आपको उनका फल मिलेगा ही, ये श्लोक में उत्तर है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत्, उत्तम श्लोक कृष्ण का नाम करने से। संकीर्तनम अघम पुंसो, संकीर्तन उत्तम श्लोक का नाम संकीर्तन करने से अगम पुंसो मनुष्य का पाप, अगम पाप, पुंसो पुरुष का, मनुष्य का, अगम पुंसो देहेत जलकर भस्म हो जाता है। देहेत दहन, दहन देहेत, एद यथा अनलह, ए दे ए दह अर्थात घास फूस। तो घास फूस जैसे सूखा घास है तो उनको आप अग्नि से जलाओगे तो ये घास फूस जल के भस्म हो जाएगा। उसी तरह ये घास फूस, ये घास क्यों जल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि घास अग्नि में घास को जलाने की शक्ति है, अग्नि में घास को जलाने की शक्ति है, इसीलिए घास जल के भस्म हो ही जाएगा। उसी तरह अज्ञान से नाम लिया या ज्ञान से नाम लिया, जैसे भी नाम लिया, उत्तम श्लोक नाम या संकीर्तन अगम पुंसो, तो पुरुष का पाप अज्ञान से नाम लो जल के भस्म हो जाएगा, ज्ञान से नाम लो जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम में सब पाप जलाने की शक्ति है, इसीलिए नाम आपका पाप जला के ही रहेगा। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तम अगम पुंसो देहे देहो यसा नलह। तो ये हमारा ध्यान हो या हमारा ध्यान ना हो, अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे, इतना ही नहीं हमारा कल्याण हो ही जाएगा। क्यों? कि नाम में हमारे पाप जलाने की शक्ति है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने आपके नामों में आपकी सब शक्ति का संचार किया है, तो इसीलिए ये नामों में पाप हमारा नष्ट करने की शक्ति है, इसीलिए हमारा नाम हमारा कल्याण करके ही रहेगा, चाहे हम अज्ञानता में ले, ज्ञानता ज्ञान से ले, अवहेलने में ले, संकेत में ले, परिहास करते हुए ले, संगीतमय ले, कैसे भी ले, नाम शक्तिमान है, नाम में शक्ति है हमारा कल्याण करने की, इसलिए नाम हमारा कल्याण करके रहेगा, करके ही रहेगा। हरे कृष्णा हरे
नाम कल्याण करके ही रहेगा कैसे भी लो। और ये बात को और पक्की करने के लिए ये दूसरा श्लोक है, और पक्की करने के दो बार बार दोहराया गया ये बार बार। ये भागवत ये हमें बार बार एक ही चीज बताती है, एक ही चीज, और वो है श्री कृष्ण के नाम की 16 माला। निश्चित रूप से हर रोज बार बार कोई भी आख्यान कोई भी कथा भागवत की आप देखोगे तो उसमें अंत में यही निचोड़ आएगा कि श्री कृष्ण का नाम लो, श्री कृष्ण की भक्ति करो, श्री कृष्ण की 24 घंटा भक्ति करो, सततम सतत भक्ति, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सतत भक्ति, कृष्ण की हमेश भक्ति, एक पल भक्ति के बिना फिजूल की न जाए, ऐसा हर आख्यान में उद्देश्य है, हर आख्यान में उपदेश है। तो ये श्लोक जो है यथा गदम वीर्यतम उपयुक्तम यद इच्छया अजानतो आप्यत्म गुणम कुर्यान मंत्रो अप्य उदाहृत। अब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाए, ये वॉल्यूम बढ़ाइए, मुझे बहुत हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यथा अगदम वीर्यतमम, अगदम दवाई, वीर्यतमम योग्य मात्रा में, फूल संपूर्ण मात्रा में मरीज को दी जाए। कोई रोगी है और रोगी को अगर योग्य मात्रा में दवाई दी जाए तो चाहे रोगी मन है ले, मन नहीं है वो ले, दूध में मिला के आपने पिला दी या कैसे भी दवाई लें योग्य मात्रा में, तो वो दवाई उनके मन के बिना ली, या तो उनको ज्ञान नहीं है ली, या तो दूध में मिला के ली, तो क्या वो रोग दवाई रोग नहीं मिटाएगी? क्यों मिटाएगी? क्योंकि दवाई में रोग मिटाने की शक्ति है, इसलिए कैसे भी लो दवा, दवाई आप कैसे भी लो, मन से लो, ज्ञान से लो, अज्ञान से लो, कोई भी तरीके से लो, तो दवाई रोग मिटा देगी। क्यों? क्योंकि दवाई में रोग मिटाने की शक्ति है। इसी तरह भगवत नाम में हमारे पाप नष्ट करने की संपूर्णतया शक्ति है। इतना ही नहीं, भगवत नाम हमारे हृदय में हृदय शुद्ध करके प्रेम जागृत करेगा ही, प्रेम जागृत करेगा ही, जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना। वो हमें प्रेम करे और हम उनसे प्रेम करें, और वो प्रेम एक सेकंड के लिए वो प्रेम मिटे नहीं, हमें प्रेम का आदान प्रदान
चलता रहे। प्रेम एक दूसरों की ओर बहता रहे, प्रेम की धारा, प्रेम धारा बहती रहे, तो ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। फिर से, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत करना, यही एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। पैसों का उपार्जन, कुटुंब का भरण पोषण, कोई भी दूसरा कोई भी लक्ष्य नहीं है। बन बनाए मन माने ये लक्ष्य है, सब मन माने, कोठी बनाना है और शादी करना है, या तो पैसा उपार्जन करना है, बिजनेस करना है, सब मन माने फिजूल के, कोई जरूरत नहीं। ऐसा वैराग्य होना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं है, आपको उपार्जन कर जो भी करना है करो, लेकिन 16 माला जरूर करो, यथा गदम वीर्यतमम। उपयुक्त दवाई देने से मरीज रोग से मुक्त हो जाएगा। इसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र ये कलयुग में योग्य मात्रा में, पूर्ण मात्रा में कल्याण करने का एकमात्र मंत्र, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म, सब शास्त्रों का मर्म ये है कि सब मंत्रों का सार ये भगवत नाम है। सर्व मंत्र सार नाम, कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन, नाम कली काले कृष्णा नाम रूप अवतार, नाम लयते हय सर्व जगत निष्ठार। नाम लेने से सब जगत का निष्ठार हो सकता है, इसलिए कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमरिन सुमरिन नर उतरे ही पारा। कृष्णा मंत्र हैते हय संसार मोचन, ये संसार मोचन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम कृष्ण नाम से छूट जाएंगे। कली काले र कृष्ण नाम रूप अवतार, कृष्ण का नाम के रूप में कलयुग में अवतार हुआ है, और नाम लेते हैं सर्व जगत निष्ठार, नाम लेते हुए सर्व जगत का कल्याण कल्याण हो सकता है। व्रत तप दान वगैरह से नहीं होगा, भगवत नाम से होगा। नाम लेते हैं सर्व जगत निष्ठा, ये हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र 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 इलाज है। ऐसा शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र उद्धृत करके कलिय संतरण उपनिषद, कलिय संतरण उपनिषद में खाली हरे कृष्ण महामंत्र का महात्म्य बताया है, कली काल तरने तैर जाने का उपनिषद अथर्ववेद का ये भाग है। किम कली तरिष्यति, नारद मुनि अपने गुरु ब्रह्मा को पूछते हैं कि कलयुग, ये मानवी कलयुग का मानवी
कलयुग कैसे तर जाए, किम कलि तरिष्यति। सह उवाच हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जवाब देते हैं उनके गुरु, क्या कहते हैं कि इति सोड़ सकस नाम नाम कलि कलमस नाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा वेदों के, वेदों को जानने वाले ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा कहते हैं कि सब वेदों में दृश्यते, सब वेदों में से देखने के बाद इति षोड़ सकस नामनम, ये षोड़ नामों का रटन करना चाहिए। इति षोड़ सकस नाम नाम कलि कलमस नाशनम, कलयुग के सब कलमस नाश, काम कलमस पाप नाश हो जाएंगे। कलि कलमस नाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, और कोई उपाय सब वेदों में से मुझे नहीं दिखाई देता। किम नाम इति, वो सोल नाम कौन से नाम है, किम नाम इति, हरे कृष्णा। किम नाम इति, कौन से नाम, तो ये षोड़ नाम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम, ये षोड़ नाम। काश्य विधि रीति नारद मुनि फिर से पूछते हैं कि ये नामों का रटन करने की विधि निषेध क्या है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन नियम क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इनका कोई नियम नहीं, नास्य विधि रीति, सुचिरवा असुचिरवा सर्व अवस्थासु सर्वदा, आप पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी अवस्था में हो, पापी हो, कोई भी अवस्था में ये नामों का रटन कर सकते हैं, क्या लाभ होगा। नारद मुनि पूछते हैं कि नाम जप करने से क्या नाम हो, लाभ होगा, तो नारद मुनि ने लाभ तो पूछ लिया कि किम कलि तरिष्यति, कलयुग हम तर जाएंगे। और ब्रह्मा कहते हैं चार लाभ हो गए, कौन से लाभ, कि आपको एक तो चतुर्धा मुक्ति मिलेगी, और क्या मिलेगा, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा, और क्या मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम आपके हृदय में जागृत होगा, कृष्ण प्रेम जागृत होगा। पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत करना, वो होगा। तो क्यों ना करें, हरे कृष्ण महामंत्र की सोल माला क्यों ना करें, इतनी बड़ी गारंटी क्यों ना करें। कौन हरे कृष्ण मंत्र की सोल माला करेंगे, हाथ खड़ा कीजिए तो, बराबर ऊपर आकाश तक, कौन करेगा, यहाँ तक नए लोग कौन है, बस ये लोग सब पापी रहेंगे क्या, ओके okay. जो सोला माला करेंगे नए, जो भक्त लोग नए भक्त जो सोला माला करेंगे उनको ये भगवत गीता का उपहार आज मिलेगा, भगवत गीता आपको फ्री में दी जाएगी जो नए भक्त। तो नए भक्त कौन सोला माला करेंगे, नए एक, नए
दो, नए तीन, नए चार, चार पाँच, पाँच लोगों को छः, फिर से मैं गिनना चाहूँगा इतनी ही भागवत गीता यहाँ लूँगा मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और आगे बारह, एक कुर्सी वाले सब कुर्सी पकड़ के रखेंगे है ना, ये कुर्सी वाले जो कुर्सी में बैठे हैं ज़्यादातर वृद्ध लोग हैं है ना, तो उनको तो 64 माला करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम पुमार्थो महान, घंटी बज गई। तो अंतिम वाक्य आज का ध्यान से सुन लो, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय, दूसरा नहीं, वो है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना। और भागवत वेद पुराण इतिहास में उनका उपाय एक ही बताया, वो है हरे कृष्णा महामंत्र का 24 घंटा नाम लेना, 24 घंटा, मैं गपशप नहीं कर रहा हूँ, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तनिया सदा हरि, सदैव 24 घंटा, अर्थात 24 घंटा न हो तो प्रभुपाद जी ने कम करके इससे भी कम करके 64 से कम करके 16 माला रखी है, तो 16 माला से भी आपका कल्याण होगा ही, पत्थरों पे लिख के देते हैं गारंटी, तो 16 माला आप करोगे आपका कल्याण है। बोलिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओके, पहले गीता, हाँ, 16 माला वाले जो 16 साल से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 16 साल तक तो पढ़ाई करते हैं तो 16 माला नहीं होगी, और चार माला पांच माला, या तो बहुत मुमुक्ष जीव हैं 16 से नीचे तो वो भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले 16 माला वाले आए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरि बोल, सब अनुमोदन कीजिए, हरे कृष्ण, आशीर्वाद, हरे कृष्ण, 16 माला वाले, हरे कृष्ण भैया, धन्यवाद, हरे कृष्ण, क्या नाम अजीत, हरे कृष्ण, क्या नाम, हाँ मेरे भी तो हूँ, हरे कृष्ण, आप तो पुराने भक्त हो, लाजपत राय 16 माला करो, हरे कृष्ण गुड़िया 16 माला करो, लाइए जल्दी लाइए, दूसरे तोड़ो आप, जल्दी तोड़ो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हाँ 16 माला करने वाले ही, हरे कृष्णा, जो भी भगवत गीता लेके जा रहे हैं कमिटमेंट करेंगे उनको 16 माला करनी पड़ेगी।
ओके एक मिनट, एक मिनट, कितने बज गए? हरे कृष्णा। एक 16, एक दो तीन, जिन्होंने यहाँ पर भगवत गीता लिया है, इन माताजी को अपना पीछे जाके नाम लिखवा दीजिए और बाकी भगवत गीता इनसे कनेक्ट कर लीजिए। तो 6 भगवत गीता ले आओ और आपको आप बैक से चले जाए, आपको मिल जाएगी यहीं पर ही। हां, आई थिंक दिस माताजी विल हैंडल इट। ओके, ये 6 लोगों को मिल जाएगी, आप यहाँ ही कहीं बैठ जाइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो नीचे से मंगवा रहे हैं। हरे कृष्णा। अब हमारे समक्ष जिन्होंने भगवत गीता लिया है, कृपया ये माता जी पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा, इनसे जाकर एक बार नाम लिखवा दीजिए सब। जिन्होंने भी भगवत गीता लिया है, कृपया इन माता जी को अपना नाम लिखवा दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो सुबह में हरि नाम के ऊपर स्पेशल क्लास होता है, सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। बैठ जाए, दे देंगे। सुबह सात बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो जो लोग माला करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, कृपया सुबह आए। धन्यवाद। फिर से बराबर बोलो, जो भी माला करना चाहते हैं, साउंड बढ़ाइए, और माला का ज्ञान, माला का विज्ञान जिनको चाहिए, वो सुबह कितने बजे आए? 7 बजे। 7 बजे, और 1.5 घंटा बहुत सुंदर क्लास होता है। और दूसरी, वो जो ये माला हरे कृष्णा जप की आदर्श कला, ये बुक अनिवार्य बुक है, जो 16 माला करते हैं उनके लिए अनिवार्य है। हिज होलीनेस महानिधि महाराज ने ये कंपाइल की है, सब शास्त्रों से सुंदर बुक है। तो ये 100 रुपये में है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। खाली 5 है बुक। हरे का जाप हर रोज कम से कम 16 माला करनी चाहिए, 16 माला। और बहुत आसान है, अगर आपके पास ज़्यादा समय आपके कार्य में नहीं है, तो सुबह 4 जब भी खाओ, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भी खाओ तो 4 माला करके खाओ। सुबह का नाश्ता कर लिया तो उससे पहले 4 माला, दोपहर का लंच उससे पहले 4 माला, शाम का उससे पहले 4 माला। और लोग रात को दूध पीते हैं, तो दूध पीते हैं तो उससे पहले 4 माला करो, हो गई 16 माला। 16 माला, जो 16 माला करेगा वो निश्चित रूप से नरक में उनका वास नहीं होगा, उल्टा भगवत धाम और भगवत प्रेम दोनों उनको यूं मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा। ज़्यादातर प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन 16 माला है डे। वैसे नियम है 64 माला। तो जिनके घर बहू आई हो, बेटा पोता, तो 64 माला करनी ही चाहिए। मैंने कल कहा था, इससे क्या होगा कि आपका अपवर्ग बन जाएगा और ये भौतिक जंजाल से आप विरक्त रहोगे। माला करने में आपका समय 7 घंटा, सुबह शाम दोपहर, 64 माला करने में 7 घंटा करीबन लगता है। तो इससे आपकी विरक्ति और आपका सवय मन कृष्ण पदारविंद यो। हमारे जीवन का ध्येय यह है कि हर पल हमारा मन श्री कृष्ण में रमे। यथा यूनो युवती नाम, यथा युवती यूनो, यूनोम च युवतीम यथा तद्वात मनोरव अभिरमते। जैसे युवती का मन युवक में रमण करता है और युवक का मन युवती में रमण करता है, उसी तरह हमारा मन
हे कृष्ण आप में रमण करो, तो ये हमेशा हमारा जीवन कृष्णमय ता मन मनस्का मन मना भव मद भक्तो मन मना, श्री कृष्ण में मन हमारा रहे, ये मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य जीवन में ना अर्थो अर्थाय कल्पते, बच्चा बीवी पति पत्नी और उपार्जन धंधा नौकरी ये सब मनुष्य जीवन का, ये इन लोगों के लिए है जो सीरियस नहीं है। जो सीरियस लोग नहीं है उनके लिए ये वर्णाश्रम धर्म है कि आहिस्ते आहिस्ते वो कृष्ण के चरण तक पहुँचे। कौमारम आचरित प्राग्नो, कुमार अवस्था से श्री कृष्ण मना कृष्ण निवेश, श्री कृष्ण में हमारा जीवन व्यतीत हो, कृष्णमय जीवन व्यतीत हो, ये मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य जीवन मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि हम ये जितनी गंगा में बालू हैं उससे भी ज़्यादा हम कुत्ते गधे बिल्ली मनुष्य बन चुके हैं और बनते जाएंगे, उनकी श्रृंखला मिटेगी नहीं, हार माला मिटेगी नहीं। ये जन्मों की शरीर बदलने की प्रक्रिया मिटने वाली नहीं है, तो इसीलिए मनुष्य जन्म में हमें एक चांस दिया जाता है। हमें मनुष्य जीवन ये जन्म मरण जंजाल में से निकलने के लिए ये मनुष्य जीवन है, लेकिन हम वैसे ही गवा देते हैं। आहार निंद्रा भय और मैथुन, ये चार चीज़ें हर प्राणी करता है, आहार निंद्रा भय मैथुन। मनुष्य जीवन का एकमात्र जन्म से लेके मृत्यु तक एकमात्र कार्य श्री कृष्णमय जीवन, श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की के भक्तों की भक्ति, यही मनुष्य जीवन। सतयुग में ये सब हजार साल तक, 1,00,000 साल तक सतयुग में मनुष्य करते थे। कंदमूल कोई शहर नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई कोठी नहीं थी, जो छोटी छोटी झोपड़ी झोपड़ियों में कुटिया और कंदमूल फल जंगल, और सारा दिन कोई खेती नहीं करना धंधा नहीं करना, सब कुछ पैदा होता रहता, फल फूल सब कुछ आपो आप पैदा होता है। और क्या काम था, कृतयत ध्यायते विष्णु, श्री कृष्ण का भजन पूजन श्रवण मनन, और कोई कार्य नहीं, ऋषि मुनि। तो एक हमारा मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य है, जन्म से लेके मृत्यु तक हमें कृष्णमय जीवन जीना है। चींटी चिड़िया को मिल जाता है, मनुष्यों को क्यों नहीं मिलेगा, इतना बुद्धिमान है तो मनुष्य को क्यों नहीं लेकिन हम इतनी चिंता करते हैं। नीचे लोग अभी बच्चा पैदा किया, बच्ची बड़ी हो गई, बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, और हर रोज शादी करो शादी करो शादी, चिंता। बच्चे पैदा किए, बाद में पढ़ाया लिखाया उनकी चिंता, बाद में उनकी शादी की चिंता, उनके लिए पैसा कमाने की चिंता, और उसमें ही सारा जीवन व्यतीत। तो ये तो कुत्ते बिल्ली भी करती है,
क्या फायदा हुआ? जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य जीवन का एक मात्र उद्देश्य और वो है श्री कृष्णमय, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण का प्रेम जागृत करना। कैसे? 16 माला हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 9 और 10, स्तेन सुरापो मित्र ध्रुक ब्रह्मा गुरु तल्पगह। ये श्लोक में भी यही कहा गया है कि आपने सारे बड़े बड़े पाप किए हो, फिर भी अगर आपने भगवत नाम से प्रायश्चित किया तो ये सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। जैसे स्तेन, कोई चोर है, चोरी करता है, सुरापो शराब पीता है, मित्र ध्रुक और ये अपने मित्र का संबंधी का विरोधी है, ब्रह्मा ब्राह्मण का द्रोही है, गुरु तल्प का गुरु का अपराधी है, स्त्री का अपराधी है, राजा का अपराधी है, पितृ का अपराधी है, गाय का हत्यारा हो, सब पाप नाम व्यवहारणम, नाम का कीर्तन, विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करने से ये सब पाप जल के भस्म हो जाते हैं, जल के बिल्कुल स्क्वायर, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू पैवेलियन ही बोलते हैं यहाँ। कि जैसे आप ये सब पाप किया, लेकिन अगर आपने भगवान का नाम निरअपराधी शुद्ध नाम लिया तो ये सब पाप आपके दूर हो जाते हैं। तो 11वें श्लोक में कहते हैं यथा हरेर नाम पदैर उदाहृतय। भगवान का नाम ये व्रत आप करो या ध्यान व्रत करो या तो वेदों में वर्णित कर्मकांड करो या कोई भी धार्मिक क्रिया आप करो, उससे आपका पाप नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन हरेर नाम पदैर, भगवान श्री हरि के नाम के अक्षरों से उच्चारण उदाहृतय उच्चारित करने से हमारे सब पाप दूर हो जाते हैं, सब पाप। बारंबार ये श्लोकों में कहा गया है कि आपको कोई व्रत, सब लोग हजार किस्म के व्रत करते हैं, ये शनि देव का व्रत, ये मंगल का मंगली का व्रत, और ये अभी तो शनि देव के मंदिर कृष्ण के मंदिर नहीं होते, और बाबा और बापू का व्रत, बाबा बापू से कुछ नहीं होगा, ये सब व्रत सब फिजूल का है। ये उससे बार बार कहा गया कि शायद आपके पाप नष्ट हो ये व्रतों से, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है, पाप करने का जो बीज है, वो आपका नष्ट नहीं होगा। वो तो क्वचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल या केवल भक्ति से ही ये
पाप करने का बीज नष्ट होगा, व्रत और तप से नहीं होगा। व्रत और तप ये क्षणिक चीज है, उससे आपका पाप करने का बीज नष्ट नहीं होगा। वो तो यहाँ कहा गया है कि भगवान के नाम से ही होगा, हृदय की धूल भगवान नाम से ही स्वच्छ होगी। 12वां श्लोक, नैकांतिकम तद तत ही कृते अपि निष्कृते मना पुनः धावती चेत असत्पथे कर्म निर्हारम अभिशाताम हरे गुण अनुवाद खलु सत्व भावनः। तो धार्मिक शास्त्रों में संस्कृत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त हैं। कर्मकांड, ज्ञानकांड, ये सब तप व्रत ये सब से काम नहीं होगा, ये प्रायश्चित नहीं होगा इससे, क्योंकि कुंजरवत ये शौच, कुंजरवत शौच, हाथी की तरह स्नान करना। हाथी स्नान करता है और बाद में अपने ऊपर धूल डालता है, तो ये सब प्रायश्चित ये अपर्याप्त रहेगा, क्योंकि पाप करने का जो बीज, पाप करने की जो इच्छाएं वृत्ति वो खत्म नहीं होगी। वो तो क्वचित केवल या भक्त्या, खाली नारायण श्री कृष्ण की भक्ति से ही ये पाप करने की वृत्ति नष्ट होगी, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों में दौड़ता है, पुनः भौतिक कर्मों में दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गान प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत की गई है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है, उनका हृदय परिवर्तन होगा, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से उनके हृदय का परिवर्तन होगा, उनका हृदय शुद्ध होगा। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो ये हरि नाम हमारे हृदय का मैल स्वच्छ करता है। चेत दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है हरि नाम। इसलिए हरि नाम से ही हमारा पाप करने की वृत्ति जल के भस्म हो जाएगी। बाद में कुंजर व्रत शौच, हाथी की तरह जो स्नान, वो नहीं, हमें इसके लिए हमारा हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। हरे कृष्णा सुण्वताम स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विदुनोति
सुहृत सताम। भगवत नाम करने से आप साधु बन जाओगे। सुनमताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी। हृदय में से अभद्र भाग जाएगा, हृदय में हृदय का मैल दूर हो जाएगा। चेत दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण का मार्जन। सुनवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। तो 13वें श्लोक में अथैनम मापनयत कृताशेष अधिकृतम यदसौ भगवन नाम म्रियमाण समगृहम। तो भगवत नाम ये मरते समय भगवत नाम लेने पर विष्णुदूत तुरंत सीन पर आ जाते हैं तुरंत, और यमदूत वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए हमें अंते नारायण स्मृति, सारी जिंदगी में हमने क्या किया वो अंते परीक्षा एग्जाम एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन अंते नारायण स्मृति। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंत अंते कलेवरम सदा तद भाव भावित एसाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणु। तो अंत्य नारायण स्मृति, और अगर अंत्य नारायण स्मृति न भी हो लेकिन सारी उम्र जिन्होंने हरि नाम किया है हरि भक्ति की है, तो भगवान के दूत जानते हैं ये सब, भगवान खुद जानते हैं। तो ये आगे श्लोक में आएगा, ये आगे वाले श्लोक में 14 श्लोक। सांकत्यम सांकेत्यम परिहास्यम वा संकेत में सांकेत्यम संकेत में ये नामाभास, ये चार नामाभास हैं। शुद्ध नाम, नाम अर्थात अपराध के साथ नाम, तो उनको शुरुआत की स्थिति कहते हैं नाम, मतलब मिक्स नाम अपराध और शुद्ध नाम, ये दोनों का मिक्सचर शुरुआत में हम नाम करते हैं तो, और बाद में नामाभास में नाम करते हैं दूसरा स्टेज, और तीसरा स्टेज नाम जप करने का है शुद्ध नाम। तो ये चार नामाभास है, अर्थात उसमें नाम अपराध नहीं है। तो नाम अपराध स्टेज के बाद ये नामाभास, मैंने जैसे कल कहा था कि सूर्य उगता है तो उगने से पहले उनकी लालिमा पहले आती है, लगता है कि सूर्य उगा लेकिन उगा नहीं है, तो उसको बोलते हैं सांकेत्यम सांकेत्यम नामाभास। संकेत में जैसे इनने अपने पुत्र का नाम संकेत किया, नारायण का नाम उनके पुत्र का समझ के नारायण का नाम लिया, तो उनको बोलते सांकेत्य संकेत। कुछ और चीज़ को नाम से बुलाते हैं, भगवान के नाम से बुलाते हैं, जैसे हरि, या तो कल उदाहरण दिया था हमने हर राम, ये सुवर हराम है, मुस्लिम लोग बोलते हैं हराम, तो राम ये संकेत सुवर को है, ये सुवर
हराम है, लेकिन उसमें राम का नाम का संकेत है, इसीलिए वो राम का नाम आपका हृदय का मैल दूर करेगा ही। चेत दर्पण मार्जनम सांकेत्यम परिहास्यम, परिहास्य परिहास मजाक करना, मजाक में भी अगर भगवान का नाम लिया है। सबका ध्यान इधर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्लोक लगाओ अब, श्लोक तो सब कथा सुनो, और आप लोग सब भी तीनों स्पेशली ए महाराज आप ध्यान दो। आपके लिए तो कथा कर रहा हूँ, दो तीन लोगों के लिए, और आपका ध्यान कहीं और है। सांकेत्यम परिहास्यम, परिहास मत करो, परिहास्यम मजाक में भगवान का नाम लिया जाए तो ये नामाभास है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम, स्तोभम संगीत में भी, जैसे हम संगीत में नाम लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्तोभम, तो ये नामाभास है, वो हमारा कल्याण करेगा ही, चाहे संगीत में नाम लें। स्तोभम हेलनम एव वा, हेलन हेलनम अनादर, गाली में अनादर करते हुए, जैसे हम पाश्चात्य देशों में हरिनाम करने जाते हैं तो बोलते हैं हरे कृष्णा हिट द रोड, ऐसा बोलते हैं कि हरे कृष्णा गेट वर्क, गो टू वर्क, काम करो, ये क्या हरे कृष्ण ऐसा अनादर करके, हेलन अनादर करके बोलते हैं, फिर भी उनका कल्याण होगा। जैसे भी वो बोल, वो वैसे द्वेष कर रहा है भक्तों का कि हरे कृष्णा काम करो, ऐसे ना ऐसे कीर्तन ये करने से क्या फायदा, कुछ पैसा का उपार्जन करो, तो ये अनादर करके बोलते हैं। तो ये सब नामाभास हैं, नाम का आभास, सही ढंग से शुद्ध नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं लोग, भगवान को वो नहीं पुकार रहे हैं, भगवान का एड्रेस नहीं कर रहे, भगवान को एड्रेस नहीं कर रहे। फिर भी वैकुंठ नाम ग्रहणम एषा हरम विदुः, अग हरम, अग पाप, हरम पाप हर लेता है। जैसे भी नाम लिया अपने नाम, नामाभास भी क्यों ना हो, भगवान को संबोधित करते हुए आपने नहीं नाम लिया, मजाक में लिया, परिहास करते हुए लिया, संगीत में लिया, हरे कृष्णा हरे राम, दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी देवानंद का नाम भी बोलते वहाँ, और बहुत गुस्से में, आपने सुना था ना, आपने सुना था, दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम। तो ये नामाभास हैं, चाहे वो मजाक में गंदी गाली में नाम ले, या गायन में सिनेमा का गायन में नाम ले, नामाभास हैं। लेकिन ये आपको नामाभास आपका कल्याण करके ही रहेगा। यमदूत आपके
आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो शुद्ध नाम सही ढंग से 16 माला करने वाले की तो बात ही क्या। हरे कृष्णा हरे तो ये नामाभास में भी हमें उच्च कोटि का फल हमारा कल्याण हो जाता, चाहे वो गाली में हो चाहे वो कैसे भी हो, गायन में हो परिहास में हो। तो ये नाम का महात्म्य है। आइए, बहुत समय है नहीं, आगे 8वां श्लोक लेते हैं जिनमें बहुत सुंदर बात बताई गई है कि अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तनम अघम पुंसो देहे देधो यथा अनल। ये बहुत सुंदर श्लोक है प्रचारकों के लिए। ये हर बार ये सवाल हमें सब करते हैं, अज्ञानात अथवा ज्ञानात, अज्ञान से या ज्ञान से। उत्तम श्लोक नाम यत, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का नाम अगर किया जाता है अज्ञानात अथवा ज्ञानात, उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तन मदम पुंसो देहे देहो यसा नल। तो अज्ञानता से भी नाम लिया जाए या ज्ञान से उत्तम श्लोक नाम। तो लोग कहते हैं कि सवाल करते हैं कि मेरा नाम में मन नहीं होता, मेरा मन भटकता है, तो ऐसा नाम करने से क्या फायदा। या तो हम हरे कृष्णा करते हैं और कहीं भक्त साथ में माला वहाँ रुक जाती है और फोन अटेंड कर लेते हैं या तो कुछ वार्तालाप कर लेते हैं और बाद में वहाँ से माला शुरू करते हैं, तो लोग कहते हैं कि इससे क्या फायदा। तो ये श्लोक उनका जवाब है, उत्तर है। मन नहीं है और माला करते हैं तो क्या फायदा। तो ये श्लोक, मन नहीं है फिर भी नाम करोगे आपको उनका फल मिलेगा ही, ये श्लोक में उत्तर है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत, उत्तम श्लोक कृष्ण का नाम करने से। संकीर्तनम अघम पुंसो, संकीर्तन उत्तम श्लोक का नाम संकीर्तन करने से अघम पुंसो मनुष्य का पाप, अघम पाप, पुंसो पुरुष का, मनुष्य का, अघम पुंसो देहेत जलकर भस्म हो जाता है। देहेत दहन, दहन देहेत, एद यथा अनलह, एदे एदह अर्थात घास फूस। तो घास फूस जैसे सूखा घास है तो उनको आप अग्नि से जलाओगे तो ये घास फूस जल के भस्म हो जाएगा। उसी तरह ये घास फूस, ये घास क्यों जल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि घास अग्नि में घास को जलाने की शक्ति है।
अग्नि में घास को जलाने की शक्ति है, इसीलिए घास जल के भस्म हो ही जाएगा। उसी तरह अज्ञान से नाम लिया या ज्ञान से नाम लिया, जैसे भी नाम लिया, उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तन अगम पुंसो, तो पुरुष का पाप अज्ञान से नाम लो जल के भस्म हो जाएगा, ज्ञान से नाम लो जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम में सब पाप जलाने की शक्ति है, इसीलिए नाम आपका पाप जला के ही रहेगा, अज्ञानात अथवा ज्ञानात। उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तम अगम पुंसो देहे देहो यसा नलह। तो ये हमारा ध्यान हो या हमारा ध्यान न हो, अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे, इतना ही नहीं हमारा कल्याण हो ही जाएगा। क्यों? कि नाम में हमारे पाप जलाने की शक्ति है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने आपके नामों में आपकी सब शक्ति का संचार किया है, तो इसीलिए ये नामों में पाप हमारा नष्ट करने की शक्ति है, इसीलिए हमारा नाम हमारा कल्याण करके ही रहेगा, चाहे हम अज्ञानता में ले, ज्ञानता ज्ञान से ले, अवहेलने में ले, संकेत में ले, परिहास करते हुए ले, संगीत में ले, कैसे भी ले, नाम शक्तिमान है, नाम में शक्ति है हमारा कल्याण करने की, इसलिए नाम हमारा कल्याण करके रहेगा, करके ही रहेगा। हरे कृष्णा हरे नाम कल्याण करके ही रहेगा, कैसे भी लो। और ये बात को और पक्की करने के लिए ये दूसरा श्लोक है, और पक्की करने के दो बार बार दोहराया गया, ये बार बार ये भागवत ये हमें बार बार एक ही चीज बताती है, एक ही चीज, और वो है श्री कृष्णा के नाम की 16 माला। निश्चित रूप से हर रोज बार बार कोई भी आख्यान कोई भी कथा भागवत की आप देखोगे तो उसमें अंत में यही निचोड़ आएगा कि श्री कृष्ण का नाम लो, श्री कृष्ण की भक्ति करो, श्री कृष्ण की 24 घंटा भक्ति करो, सततम सतत भक्ति, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सतत भक्ति, कृष्ण की हमेश भक्ति, एक पल भक्ति के बिना फिजूल की न जाए, ऐसा हर आख्यान में उद्देश्य है, हर आख्यान में उपदेश है। तो ये श्लोक जो है यथा गदम वीर्यतम उपयुक्तम यद इच्छया अजानतो आप्यत्म गुणम कुर्यान मंत्रो अप्य उदाहृत। अब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाए, ये वॉल्यूम बढ़ाइए, मुझे बहुत
हरे कृष्णा हरे यथा अगदम वीर्यतमम अगदम दवाई वीर्यतमम योग्य मात्रा में फूल संपूर्ण मात्रा में मरीज को दी जाए। कोई रोगी है और रोगी को अगर योग्य मात्रा में दवाई दी जाए तो चाहे रोगी मन है ले, मन नहीं है वो ले, दूध में मिला के आपने पिला दी या कैसे भी दवाई लें योग्य मात्रा में, तो वो दवाई उनके मन के बिना ली, या तो उनको ज्ञान नहीं है ली, या तो दूध में मिला के ली, तो क्या वो रोग दवाई रोग नहीं मिटाएगी? क्यों मिटाएगी? क्योंकि दवाई में रोग मिटाने की शक्ति है। इसलिए कैसे भी लो दवाई आप कैसे भी लो, मन से लो, ज्ञान से लो, अज्ञान से लो, कोई भी तरीके से लो, तो दवाई रोग मिटा देगी। क्यों? क्योंकि दवाई में रोग मिटाने की शक्ति है। इसी तरह भगवत नाम में हमारे पाप नष्ट करने की संपूर्णतया शक्ति है। इतना ही नहीं, भगवत नाम हमारे हृदय में हृदय शुद्ध करके प्रेम जागृत करेगा ही, प्रेम जागृत करेगा ही, जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना। वो हमें प्रेम करे और हम उनसे प्रेम करें, और वो प्रेम एक सेकंड के लिए वो प्रेम मिटे नहीं, हमें प्रेम का आदान प्रदान चलता रहे। प्रेम एक दूसरों की ओर बहता रहे, प्रेम की धारा, प्रेम धारा बहती रहे, तो ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। फिर से, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत करना, यही एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। पैसों का उपार्जन, कुटुंब का भरण पोषण, कोई भी दूसरा कोई भी लक्ष्य नहीं है। मन बनाए, मन माने ये लक्ष्य है, सब मन माने, कोठी बनाना है और शादी करना है, या तो पैसा उपार्जन करना है, बिजनेस करना है, सब मन माने फिजूल के, कोई जरूरत नहीं। ऐसा वैराग्य होना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं है, आपको उपार्जन कर जो भी करना है करो, लेकिन 16 माला जरूर करो, हरे कृष्णा। यथा गदम वीर्यतमम
उपयुक्त दवाई देने से मरीज रोग से मुक्त हो जाएगा। इसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र ये कलयुग में योग्य मात्रा में पूर्ण मात्रा में कल्याण करने का एकमात्र मंत्र, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म, सब शास्त्रों का मर्म ये है कि सब मंत्रों का सार ये भगवत नाम है। सर्व मंत्र सार नाम, कलि काले धर्म हरि नाम संकीर्तन, नाम कलि काले कृष्णा नाम रूप अवतार, नाम लयते हय सर्व जगत निष्ठार। नाम लेने से सब जगत का निष्ठार हो सकता है, इसलिए कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमरिन सुमरिन नर उतरे ही पारा। कृष्णा मंत्र हैते हय संसार मोचन, ये संसार मोचन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम कृष्ण नाम से छूट जाएंगे। कलि काले र कृष्ण नाम रूप अवतार, कृष्ण का नाम के रूप में कलयुग में अवतार हुआ है, और नाम लेते हैं सर्व जगत निष्ठार, नाम लेते हुए सर्व जगत का कल्याण कल्याण हो सकता है। व्रत तप दान वगैरह से नहीं होगा, भगवत नाम से होगा। नाम लेते हैं सर्व जगत निष्ठा, ये हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र 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 इलाज है। ऐसा शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र उद्धृत करके कलिय संतरण उपनिषद, कलिय संतरण उपनिषद में खाली हरे कृष्ण महामंत्र का महात्म्य बताया है, कलि काल तरने तैर जाने का उपनिषद अथर्ववेद का ये भाग है। किम कलि तरिष्यति, नारद मुनि अपने गुरु ब्रह्मा को पूछते हैं कि कलयुग ये मानवी कलयुग का मानवी कलयुग कैसे तर जाए। किम कलि तरिष्यति, सह उवाच हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जवाब देते हैं उनके गुरु, क्या कहते हैं कि इति षोडशकस नाम नाम कलि कल्मस नाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा वेदों को जानने वाले ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा कहते हैं कि सब वेदों में दृश्यते, सब वेदों में से देखने के बाद इति षोड़ सकस नामनम, ये षोड़ नामों का रटन करना चाहिए। इति षोड़ सकस नामनम कलि कलमस नाशनम, कलयुग के सब कलमस नाश, काम कलमस पाप नाश हो जाएंगे। कलि कलमस नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, और कोई उपाय सब वेदों में से मुझे नहीं दिखाई देता। किम नाम इति, वो सोल नाम कौन से नाम है, किम नाम इति, हरे कृष्णा
किम नाम इति, कौन से नाम, तो ये सोड़ नाम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम, ये सोड़ नाम। काश्य विधि रीति, नारद मुनि फिर से पूछते हैं कि नामों का रटन करने की विधि निषेध क्या है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन नियम क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इनका कोई नियम नहीं, नास्य विधि रीति, सुचिर्वा असुचिर्वा सर्व अवस्थासु सर्वदा, आप पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी अवस्था में हो, पापी हो कोई भी अवस्था में, ये नामों का रटन कर सकते हैं। क्या लाभ होगा, नारद मुनि पूछते हैं कि नाम जप करने से क्या नाम हो, लाभ होगा। तो नारद मुनि ने लाभ तो पूछ लिया कि किम कली तरिष्यति, कलयुग हम तर जाएंगे। और ब्रह्मा कहते हैं चार लाभ हो गए, कौन से लाभ, कि आपको एक तो चतुर्धा मुक्ति मिलेगी, और क्या मिलेगा, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा, और क्या मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम आपके हृदय में जागृत होगा, कृष्ण प्रेम जागृत होगा, पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत करना वो होगा। तो क्यों ना करें, हरे कृष्ण महामंत्र की सोल माला क्यों ना करें, इतनी बड़ी गारंटी क्यों ना करें, कौन हरे कृष्ण मंत्र की सोल माला करेंगे, हाथ खड़ा कीजिए तो, बराबर ऊपर आकाश तक, कौन करेगा, यहाँ तक नए लोग कौन है, बस ये लोग सब पापी रहेंगे क्या, हाँ ओके, जो सोलह माला करेंगे नए, जो भक्त लोग नए भक्त जो सोलह माला करेंगे उनको ये भगवद गीता का उपहार आज मिलेगा, भगवद गीता आपको फ्री में दी जाएगी, जो नए भक्त, तो नए भक्त कौन सोलह माला करेंगे, नए एक, नए दो, नए तीन, नए चार, चार पांच, पांच लोगों को छः, फिर से मैं गिनना चाहूँगा, इतनी ही भागवत गीता यहाँ लूँगा मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और आगे बारह, ये कुर्सी वाले सब कुर्सी पकड़ के रखेंगे, है ना, ये कुर्सी वाले जो कुर्सी में बैठे हैं ज़्यादातर वृद्ध लोग हैं, है ना, तो उनको तो 64 माला करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम पुमार्थो महान, घंटी बज गई, तो अंतिम वाक्य आज का ध्यान से सुन लो, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय, दूसरा नहीं, वो है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना। और भागवत वेद पुराण इतिहास में उनका उपाय एक ही बताया, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का 24 घंटा नाम लेना, 24 घंटा, मैं गपशप नहीं कर रहा हूँ, सततम कीर्तयंतो माम,
सतत कीर्तनिया सदा हरि सदैव 24 घंटा, अर्थात 24 घंटा ना हो तो प्रभुपाद जी ने कम करके इससे भी कम करके 64 से कम करके 16 माला रखी है। तो 16 माला से भी आपका कल्याण होगा ही, पत्थरों पे लिख के देते हैं गारंटी। तो 16 माला आप करोगे आपका कल्याण है। बोलिए हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.